यस यस मनन ए बी सी डी इट इज नॉट यस शिवांश ए 34 मीन्स आपको सेकंड पार्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से देख लो कि 34 सिर्फ एक तो सेकंड हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है? सर नहीं समझ आया। यस सर नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया। एक्सरसाइज नहीं यस सर 5.2 एक्सरसाइज यस सर की थी। तो फिर तो दिस इज nth टर्म एंड a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट इज 205 a हियर 7 प्लस n वी हैव टू फाइंड एंड d विल बी 13 माइनस 7 6 6 सॉल्व करना है बस इसमें। सर दूसरी वाली साइड में वैल्यू किस लिए दी हुई है फिर? दूसरी में भी सेम, दिस इज nth टर्म माइनस 47। नो सर, सर ऑप्शन में दूसरी साइड में है ये। बेटा देखो दो क्वेश्चन है, फर्स्ट का n बताना है और सेकंड का n बताना है, तो ये फर्स्ट के लिए ये सेकंड के लिए है, ठीक है? ओके ओके। एनी डाउट? सिर्फ दो बच्चों का आंसर आया है, फर्स्ट वन शिवांश एंड प्रमोद। स्पीड अप। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म is 73। ये ऑप्शन आपके, फाइंड द 31st टर्म। Gauri, is it now visible? Find 31st term whose 11th term is 38 and 16th term is 73. No visible. Wait.
नाउ विजिबल नहीं है, चेक करते हैं पैटर्न में। लाइट तो अभी की है, लाइट अभी की वहां से। यस मनन, थोड़ा और कर दो यहीं से। और कर दो, ये भी कर दो यहीं से, ये भी कर दो, लाइट लगा देंगे और उठा दो, हल्का से उठा दो, ये वाला खोल दो, खोल है ना, सही हो गया पीछे वाले से। यस 178 इज राइट। यस मनन बोलो। मनन यस, वन सेवेंटी एट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर फोर एंड माइनस एट रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर फोर एंड माइनस एट रिस्पेक्टिवली, then which term of an AP is zero? Yes, fifth. Right, sixth question. Sixth question, how many three digit numbers are divisible by seven? Manan, तेरे फोन में दो टैब खुल जाते, इसका मतलब ये नहीं है कि साथ में इसके सोल्यूशन भी सर्च कर ले। How many three digit numbers are divisible by seven? Yes, 128. Next question.
Eighth question, if x plus 1, 3x and 4x plus 2 are first three term of an AP, then fifth term is. If x plus 1, 3x and 4x plus 2 are first three terms of an AP, then its fifth term is. This is very important question. If x plus 1, px and 4x plus 2 are three terms of an AP, then find, then its fifth term is. We have to find a5. We have solved this. 24. Yes. Manan. देखो वो बोल रहा है x plus 1, 3x, 4x plus 2 are in AP. अगर ये तीनों AP में है तो मतलब तीनों consecutive terms है तो common difference भी same होना चाहिए. Then the common difference must be same. So, by comparing these two, common difference is 3x minus x plus 1 should be equal to 4x plus 2 minus this 3x. Any doubt in this step? Any doubt in this step? Raise your hand. Yes, Shivansh. Sir, I took the average formula. Average formula से आपने इन दोनों का average करके इसके equal किया होगा. Yes, sir. तो बेटा वो है लेकिन वो एक shortcut है. जो एक proper method है इसको solve करने का वो यही है कि इन दोनों का जो AP है तो ये common difference same होगा. एवरेज भी है वो कंसेप्ट है लेकिन वो शॉर्टकट है. एग्जाम में आप उस तरीके से नहीं करोगे. सर बट इट इज एमसीक्यू सो यू सेड ना फॉर एमसीक्यू यू कैन यूज शॉर्टकट. हाँ हाँ एमसीक्यू में बट मैं क्या बोल रहा हूँ देखो अगर आप इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको एमसीक्यू में भी कंप्लीट सोल्यूशन करके दिखाना है. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो इसके लिए या फिर 95 टू 99 तब आप अगर एमसीक्यू में भी शॉर्टकट से सीधा आंसर लिखाओगे तब भी कोई बात नहीं है. लेकिन इसके लिए हम एक भी पॉइंट नहीं लॉस करना चाहेंगे कि कहीं भी एग्जामिनर हमारे मार्क्स का डिडक्ट कर ले. तो हम इसका भी डिटेल सॉल्यूशन करके देंगे उसको. ठीक है सर. सो वी हैव टू राइट द सॉल्यूशन आल्सो फॉर एमसीक्यूज.
देखिए वो डिपेंड करता है, वो जब हम दिसंबर पेपर होंगे ना हमारे, तो मैं वो आप लोगों के अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा, जिसकी स्पीड सबसे सही होगी उसको डिटेल करना है, अगर स्पीड किसी की कम है एंड में करेंगे, पेपर अटेम्प्टेशन का तरीका बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप चलना, ठीक है। फिलहाल आप डिटेल मेथड एक्सेप्ट करो और शॉर्टकट भी ध्यान में रखो। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, सी एक्स माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स फोर एक्स प्लस टू माइनस थ्री एक्स, दिस इज टू एक्स माइनस वन इक्वल्स एक्स प्लस टू, तो दिस इज टू एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस वन, तो x इक्वल्स थ्री। नाउ x इक्वल्स थ्री मीन्स थ्री इंटू थ्री नाइन, थ्री फोर जो ट्वेल्व टू फोर्टीन एंड थ्री प्लस वन फोर, तो दिस इज द एपी। नाउ यू कैन फाइंड द ए फाइव, यू नो ए एंड यू नो डी एंड एन इज फाइव, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइव। एनी डाउट गो खुशी, एनी डाउट? ऐश्वर्या, ऐश्वर्या टर्न ऑन योर वीडियो। नो सर, वीडियो ऑन करो। अच्छा नहीं लगता ऐसे, मैं बार बार बोलूं आपको कि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, अपने आप ऑन करके रखा करो। आयुष्मान, भानु प्रताप, भुवनेश, सबने ऑफ कर रखी है, ये आपका लॉस है। देखिए जो मुझे पता लगेगा कि पढ़ रहा है मैं उसी पे फोकस करूंगा। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। Yes, this is minus 979. Yes, Devender. Sir, ये शायद बना कौन सा सर होमवर्क है क्या? कैसे? Sir, right शायद बना कौन सा होमवर्क है क्या? वो मैं सारा बोल रहा हूँ अभी, एक बार अब ये कर लो। द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स 5 टर्म्स।
then the ratio of the first term and the common difference is the sum of first 10 terms of an AP is 4 times the sum of its 5 terms. Then the ratio of the first term and the common difference is. Interesting and important question. Yes, Karthik. Yes, bolo. Yes, Mohit. Sir, can you repeat the question? Yes. The sum of first 10 terms of an AP is 4 times. But aapke right top pe bhi likha hua hai. The sum of first 10 terms of an AP is 4 times the sum of its 5 terms. Then the ratio of first term and the common difference is. Yes, Pramod. How you have solved this? Yes. Sir, S10 equals to 4 into S5. Okay. Then? S10 equals to? Yes. A plus 2A plus 9D. This is 2A plus 9D. Next. Right hand side is 4 into 2A. 4 into? 2A. 2A. Plus 4D. अच्छा ये बताओ कहाँ से copy paste किया? कहाँ से देखा है? जो PDF share की थी उसमें से? कि उसके net का link ले? No sir. Pramod? Sir, the right hand side mein 10 upon 2 bhi hoga, into 10 upon 2. Right hand side mein 10 upon 2? Sir, left hand side mein. Okay, left hand left side hand. Mein 10 upon 2. Or sir, right hand side mein 5 upon 2. Ye kyun aaya? Into 5 upon 2. Sorry, sum of 5 terms hai. Kya formula kya hota hai? Sn equals to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. Yes. Now, we have given a and d. This is the ratio. First term and the common ratio, common difference. A is first term and d is common difference. Solve this and find the ratio of a and d. First of all, we have given that the sum of first 10 terms and jaise bolna hai waise solve karte jao. The sum of first 10 term is S10 of an AP is, meaning of is equal to the symbol. So 4 times means 4 into the sum of its 5 terms means S5.
ऐसे आपको सॉल्व करना है कि जैसे स्टेटमेंट में बोला वैसे वैसे लिखते जाओ. नाउ एस टेन इज एन अपॉन टू इन टू टू ए प्लस एन दैट इज टेन माइनस वन नाइन डी इक्वल्स फोर टाइम्स एस फाइव फाइव अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन दैट इज फोर डी. नाउ फाइव टू जा and this will get cancelled out. On the left hand side, this is 2a plus 9d equals 2 into 2, 4a plus 8d. Now this is 9d minus 8d equals 4a minus 2a. So this is d equals 2a. And a upon d is a upon d will be 1 by 2. So the ratio is 1 is to 2. Ratio is 1 is to 2. Raise your hand if you have doubt. Yes, Mohit and Madhusudan. Mera bhi yahi aaya. Very good. Yes, Mohit. Karthik. यस कार्तिक समझ गया. देखो सम ऑफ फर्स्ट टेन टर्म्स मींस एस टेन इक्वल्स इज मींस इक्वल टू द सिंबल फोर टाइम्स द सम ऑफ फाइव टर्म्स मींस एस फाइव. नाउ जस्ट एक्सपेयर दिस एस टेन मींस एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. On the right hand side, 4 into S5, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Now solve this, 2a plus 9d equals 4a plus 8d. Just take 2a on the right hand side and 8d on the left hand side. Then d equals 2a and a upon d will be 1 on d, 1 upon 2. And we have to find the ratio of first term, means a and common difference, that is d. So a upon d is 1 upon 2. So this is the ratio. Shivansh, check your mistake. Note down this. Now listen the next statement. What are the conditions for a sequence to be an AP? What are the conditions of a sequence to be an AP? A, the sum of two consecutive terms should be constant. The sum of two consecutive terms should be constant. Is it right or wrong, Pulkit? Pulkit, sir, right. Right. The sum of two consecutive terms should be constant. No, sir. ये मेरी कोई भी AP है. AP है ये हमें confirm है क्योंकि common difference two है. तो two consecutive term का जो वो है, sum. इसका sum four. इन दोनों का sum eight. 12. So this is wrong. Constant nahi ho sakta. The second is the product of two consecutive numbers should be constant. Right or wrong? Himanshu? Himanshu Khatri? Right or wrong? The product of two consecutive numbers should be constant. No, sir. Yes or wrong? Right or wrong? Wrong. Very good. Third is the difference between two consecutive terms should be constant. Rhythm. Rhythm Jain. Right or wrong? The difference between two consecutive terms should be constant. Rhythm Jain.
Yes, Shivansh, this is right. And the last is the ratio of two consecutive terms should be constant. The ratio of two consecutive terms should be constant. Manan, right or wrong? The ratio of two consecutive terms should be constant. Yes, Shivansh. Yes, you are right. Karthik, you are right. Aishwarya. So this is wrong. The ratio of two consecutive terms. Here the ratio is 1:3. And the next, this is 3:5. And the next is 5:7. So ratio is not constant. So only C is the right. The difference between two consecutive numbers. Write down the next statement. The sum of four consecutive number in an AP with D greater than zero, with D greater than zero is 20. Sum of their square is 120. Sum of their square is 120. Then the middle term is. आपको middle term find करनी है. Middle terms. क्योंकि four terms है तो middle term नहीं होएगा, middle terms होएंगी. देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी. If you have to let the three terms, if you have to let three terms of consecutive term, of consecutive term of an AP, then you will let A minus B, A plus B. If you have to let three terms, because sum of three, these terms will be 3A. That's why we have let A minus D, A plus D. But if we have to let four terms, then we will let A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D. Even number let करने हैं तो इस form में let करेंगे, odd इस form में let करेंगे. Getting my point? Any doubt? Raise your hand. Why we are assuming this term? Yes, Madhusudan. Sir, वो पहले का था.